व्हाट्सएप कॉल कनेक्टिंग प्रॉब्लम। दोस्तों, यदि आप भी अपनी व्हाट्सएप पे किसी पर्सन को कॉल करते हैं तो आपकी जो कॉल है कनेक्ट हो जाने के बाद आपको कनेक्टिंग शो करती है या तो फिर आपको शो करती है कनेक्शन फेल, नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम। ये गाइस प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट्स बताएं। चलो गाइस, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ रही तो कैसे आप इसको फिक्स आउट कर सकते हैं, तो देख लो गाइस, यहाँ पे जो है मुझे कनेक्टिंग शो कर रहा है। मैंने कॉल को पिक कर लिया बट स्टिल गाइस यहाँ पे जो है ये कनेक्टिंग ही शो करता है, इवन मेरे पास अच्छा खासा इंटरनेट भी है। तो चलो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हैं यदि आपके भी डिवाइस में इस तरीके की प्रॉब्लम जो है व्हाट्सएप पे आ रही है। यही नहीं दोस्तों, आपके जो प्रॉब्लम है सेम टू सेम वीडियो कॉल करने पे भी आएगी। मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ सिंपली गाइस, यहाँ पे आप देख ले, मैं वीडियो कॉल करता हूँ तो देख लो गाइस, यहाँ पे मैं जो वीडियो कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे भी मुझे जो है इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। कॉल को मैंने पिक कर लिया, मेरे पास जो है स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप देख लो कॉल जो है मेरे द्वारा पिक कर ली गई है बट स्टिल गाइस यहाँ पे जो कनेक्टिंग ही शो कर रहा है। तो क्या है सारा मामला, मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो। चलो तो चलो गाइस, अब आपको बताते हैं कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो यदि आपको ये प्रॉब्लम जो है व्हाट्सएप में देखने को मिलती है। सिंपली गाइस यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ गाइस मेक श्योर कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आप मेरी वीडियो पहली बार वॉच करें। बढ़ते अपने मेन टॉपिक की तरफ। जैसे ही आपको ये प्रॉब्लम आती है सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों आपको जैसे जैसे मैं बताऊँगा वही आपको फॉलो करना है। यहाँ पे लिखना है आपको ऐप्स। जैसे ही आप ऐप्स लिखते हैं आपके सामने निकल के आ जाती है ऐप्स। यहाँ पे आपको अगेन ऐप्स पे क्लिक करना है और इनमें जो है आपको फाइंड करनी है अपनी व्हाट्सएप एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको जो 5 से 10 सेकंड ले लेता है लोडिंग करते समय। स्क्रॉल डाउन करें, अपनी व्हाट्सएप को फाइंड आउट करें, शायद ये लास्ट में आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप एप्लीकेशन। जितनी भी आपकी एप्लीकेशन होगी सारी की सारी आपको यहाँ पे शो कर देगा। बस आपको थोड़ा सा ढूंढना है ध्यान से, क्योंकि व्हाट्सएप जो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये आपके ऑलमोस्ट जितने भी एप्लीकेशन होते हैं। ये देखो गाइस, क्लिक करो। आपको गलती से भी क्लियर डेटा नहीं करना है दोस्तों, आपकी जो जितने भी कॉन्टैक्ट हैं व्हाट्सएप पे जो भी चैट वगैरह हैं डिलीट हो जाएगी, जस्ट आपको क्लियर कैच करना है। अब आपको कहोगे ये तो हम डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते थे, आपने यहाँ से क्यों बताया। सेटिंग्स में जाके इसका प्रोसेस करने से ये जो है अलग काम करता है। बैक करो। बैक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस तरीके से करना है, सिंपली आप बैक कर दें। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको चेक करना है कि आपकी जो व्हाट्सएप है, सिंपली यहाँ पे चले जाएं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप सभी को इस तरीके से सर्च करना है व्हाट्सएप। आप सर्च कर देते हैं यहाँ पे। आप जैसे आप व्हाट्सएप सर्च करेंगे तो आप सभी के सामने जो व्हाट्सएप है ये वाली जो हमारी नॉर्मल है इसको गाइस यहाँ पे अगर आपको अप टू डेट दिखाना है तो आपको अपडेट पे क्लिक करना है एंड अपनी व्हाट्सएप अपडेट कर लेनी है। यदि ऑलरेडी अप टू डेट है तो आपको बताता हूँ क्यों आ रही आपको प्रॉब्लम। बैक करो। यहाँ पे आपको जो अपनी व्हाट्सएप को प्रेस एंड होल्ड डाउन करके रखना है इस तरीके से। ऐप इंफॉर्मेशन पे जाओ, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है डाटा यूजर डिटेल। देख लेना आपका जो बैकग्राउंड डेटा है ये ऑफ तो नहीं है, यदि ऑफ है तो इसको ऑन कर दें। यदि आप जो इस एप्लीकेशन को डेटा ही नहीं देंगे बैकग्राउंड में तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये चेक कर लेना है, यदि आपकी जो बैकग्राउंड डेटा ऑन है तो आपको ऑन ही रखनी है, ऑफ है तो ऑन कर देना। ऑलराइट, आप बैक करो। अब इसकी एक बार जस्ट फोस्ट ऑफ कर देना, जस्ट एक बार इसकी फोस्ट ऑफ करो। आप बैक करो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट अभी भी आकर प्रॉब्लम आ रही है तो नॉर्मली गाइस आपको क्या करना है, जस्ट आपको अपना फ्लाइट मोड जस्ट फॉर 5 सेकंड के लिए टर्न ऑन ऑफ करना है। आप पूछोगे आप ये क्यों, तो इसमें गाइस क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ करते हैं आपका जो कनेक्शन है डिसकनेक्ट होकर दोबारा से कनेक्ट होता है एंड वहाँ पे जो अपने कनेक्शन को बूस्ट मिल जाता है लाइक कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा वेट कर लेना, आप जो कनेक्शन होगा गाइस वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा एंड यहाँ पे जो नेटवर्क से रिलेटेड इशूज़ हैं वो इस तरीके से फिक्स आउट हो जाते हैं। अब आपको व्हाट्सएप पे जाना है एंड चेक करना है। यदि आपकी प्रॉब्लम फिर भी फिक्स आउट नहीं होती है तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाएं, व्हाट्सएप सर्च करें, स्क्रॉल डाउन करें एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डेवलपर कॉन्टैक्ट, इनकी ईमेल मिलेगी। यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट पे लिख दें कॉल कनेक्टिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे आप जो अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, वेन एवर आई विल ट्राई टू कॉल टू एनी वन ऑन व्हाट्सएप इट शोइंग कनेक्टिंग प्रॉब्लम प्लीज़ फिक्स दिस इशू एज सून एज पॉसिबल। आपको ये लिख देना जो कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट अटैच कर देना जो कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया है, व्हाट्सएप को भेज दें एंड ऐसे में गाइस आपको अगर व्हाट्सएप की तरफ से कुछ ग्लिचेस आई हैं एप्लीकेशन पे तो वहाँ पे जो है फिक्स आउट हो जाएंगी। ये है गाइस सारा का सारा सोल्यूशन, आप इस तरीके से व्हाट्सएप पे इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की यूजफुल वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।